हैं। स्टार्ट विद द नेम ऑफ अल्लाह हु इज मोस्ट मर्सीफुल एंड मोस्ट बेनिफिशिएंट। टुडे वी विल रिवाइज प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, इट्स एक्टिव स्ट्रक्चर एज वेल एज इट्स पैसिव स्ट्रक्चर। ठीक है, एक्टिव स्ट्रक्चर और पैसिव स्ट्रक्चर जो हैं वो हम दोनों डिस्कस करेंगे, देन जो है हम ट्रांसलेशन जो पैराग्राफ्स हैं, ठीक है, वो ट्रांसलेशन पैराग्राफ्स में सिर्फ वही हैं जो ऑलरेडी सॉल्व्ड हैं, जो अनसॉल्व्ड हैं वो इंक्लूड नहीं हैं। इसका पूरा पीडीएफ जो है मैं आप लोगों के साथ एक्टिव पैसिव का शेयर कर दूंगा, वहीं से आप स्ट्रक्चर याद करेंगे। यानी ट्रांसलेशन में भी सेंटेंस ऐसे भी आ सकता है, वो पैसिव भी पूछा जा सकता है ट्रांसलेशन के लिए, ठीक है, और एक्टिव भी पूछा जा सकता है। तो पहले उन उन दोनों में डिफरेंस मैं बता दूंगा, ठीक है। अगर एक्टर जो काम करने वाला होता है ग्रामेटिकली, उसको हम कहते हैं एक्टर, ठीक है, जो जुमले में काम करने वाला सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को एक्टर। अगर एक्टर नाउन हो यानी के एन ओ डब्ल्यू एन वाला, ठीक है, जानने वाला, अभी मतलब वहां पे डिफाइंस एक्टर मौजूद हो तो वो एक्टिव सेंटेंस होता है। फॉर एग्जांपल, अब मैं एक मिसाल से आपको कर दूंगा कि माली पौधों को पानी देता है। नंबर फर्स्ट, माली पौधों को पानी देता है, एक जुमला है। अब इसमें माली एक्टर मौजूद है काम करने वाला, ठीक है। नेक्स्ट जुमला है, पानी पौधों को पानी दिया जाता है। तो इसमें पौधों को पानी देने वाला एक्टर जो है वो अननाउन है, वो हम नहीं जानते हैं कौन दे रहा है, बाग में पानी दिया जाता है, ठीक है। तो आपको ये समझाना था कि बेसिकली एक्टिव और पैसिव कहते किसको है, ठीक है। तो जिसमें एक्टर आपको पता हो, जिस तरह माली पता है, माली पानी पौधों को पानी देता है, तो ये एक्टिव कहलाता है जुमला। और जिसमें एक्टर, जिस तरह का दूसरा हमारा मिसाल था कि पानी पौधों को पानी दिया जाता है, तो उसमें एक्टर अननाउन था, तो इसमें क्या होना है कि ये पैसिव में लिखा जाना चाहिए। ये डिफरेंस है, डिफरेंस मैंने इसलिए बताया, बाज जगहों पे आपसे पूछ लेते हैं, अगर ना भी पूछे तो आपको फिर ट्रांसलेशन करते हुए ये देख के करना होता है कि ये ट्रांसलेशन आपने एक्टिव स्ट्रक्चर को यूज करते हुए करना है या पैसिव स्ट्रक्चर को यूज करते हुए करना है, ठीक है। तो ये बातें बताने वाली थी। अब आते हैं खास तौर पर जो आज का हमारा टॉपिक है, वो है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। तो इसमें पहचान और ये सारी चीजें बताने की जरूरत नहीं है, जो कि आपको पहले से याद है। तो इसमें चीदा चीदा जो मोटी चीजें हैं, ठीक है, जो समझने की बातें हैं, सिर्फ मैं वो बातें कर लूंगा, ठीक है। तो बाकी आपको पहचान वगैरह तो आपको पहले से माशाल्लाह से पता है, उसमें रहा है, रही है, रहा हूँ वगैरह आएंगे, ठीक है। तो इसकी कोई और यूज उसको पता है, आप कंटिन्यूस एक्शन के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज करेंगे। यानी आप किसी को खाता हुआ देख रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि वो खाना खा रहा है, ठीक है। आप किसी को खेलते हुए देखते हैं तो आप कह रहे हैं वो खेल रहा है, ठीक है। तो जो काम आपके आंखों के सामने जारी है, तो इन सारे एक्शंस के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज किया जाता है, ठीक है, ये भी आप लोगों को पता है। देन हम आते हैं स्ट्रक्चर के ऊपर। जब स्ट्रक्चर की बात होती है, इसमें सब्जेक्ट क्या आएगा, प्लस इज एम आर आएगा, प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसे आप यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी भी कह सकते हो, या आप उसको फोर फॉर्म कहते हो, ठीक है, दोनों बातें सेम है। प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा, फॉर एग्जाम्पल आई एम फ्लाइंग काइट्स, ठीक है, आई एम फ्लाइंग, फ्लाई का आई एन जी फॉर्म लगा, ठीक है, यानी फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हुआ, तो आई एम फ्लाइंग काइट्स, ठीक है, मैं पतंग उड़ा रहा हूँ, क्लियर। तो अब इस में इस एम आर जो किस नोवियत से आएगा, इज कहाँ पे लगेगा, आर कहाँ पे लगेगा, देन एम कहाँ पे लगेगा, तो इज जो है वो लगेगा, इज यूज फॉर ही शी इट एंड सिंगुलर सब्जेक्ट, यानी सिंगुलर नाउन।
ही शी इट के साथ तो लगेगा ही लगेगा प्रोनाउन, इसके अलावा इज जो है वो कोई भी सिंगुलर एंटिटी के साथ इज आएगा, वी यू दे के साथ आर लगेगा, इसके साथ प्लुरल जितनी एंटिटीज होंगी इन सब के साथ आर लगेगा, एम जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसके साथ आएगा, वो सिर्फ और सिर्फ आई के साथ आएगा, आई एम फ्लाइंग काइट्स जिस तरह हमने किया हुआ था। अब बात कर लेते हैं बच्चे उसका, ये तो मैंने एक्टिव स्ट्रक्चर बता दिया ना, पैसिव स्ट्रक्चर उसके क्या बनेगा, पैसिव के लिए उसमें क्या करना पड़ेगा आपको, ऑब्जेक्ट, जैसे पैसिव से आपको पता है ऑब्जेक्ट फर्स्ट आएगा स्ट्रक्चर में, ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस सब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल एक बताते हैं, आई एम फ्लाइंग काइट्स को ही हम चेंज करते हैं, तो काइट्स आर बीइंग फ्लोन बाय अस, फ्लाई से फ्लू फ्लोन होता है, ठीक है, फ्लोन बाय अस, वी आर फ्लाइंग काइट्स, तो इसका बनेगा काइट्स आर बीइंग फ्लोन बाय अस। तो इसमें एक्टिव जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से हैं और पैसिव कुछ इस तरह से हैं, ठीक है। तो पैसिव में एक्टिव में आएगा सब्जेक्ट प्लस एम आर प्लस थर्ड फॉर्म सॉरी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट, और पैसिव में आएगा ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसी तरह से होता है, एक एक एग्जाम्पल में मैंने दे दी, ठीक है। इसी तरह एक्टिव का फॉर एग्जाम्पल ऐसा होता है, मैं बाजार जा रहा हूं, अगर मैं कह लूं तो आई एम गोइंग टू बाजार, ठीक है। ये पूरा स्ट्रक्चर भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूंगा, ठीक हो गया। देन आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे, तो वो नेगेटिव का है, ठीक है। नेगेटिव का नेक्स्ट पॉइंट है, नेगेटिव स्ट्रक्चर में सिर्फ आपने दोनों तरह दोनों जो पैसिव और एक्टिव के स्ट्रक्चर हमने बनाए थे उनमें नॉट का इजाफा कर देना होगा, कहाँ पे, यानी इज एम आर के बाद नॉट का, दोनों सूरतों में। फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट, अब एक्टिव बता रहा हूँ नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसी तरह ऑब्जेक्टिव जो पैसिव है उसमें क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो दोनों क्या हो गए, सिर्फ नॉट का इजाफा हुआ, अदरवाइज वही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ही, हमें बनाना चाहता हूं, ही इज नॉट मैनेजिंग, या वो थोड़ा सा आपको मुश्किल, ही इज नॉट keeping, ठीक है, good books, for example he is not keeping good books, तो अब वहीं पे क्या होगा, good books object पहले आएगा, good books are not being kept by him, ठीक है। इसी तरह अब translation आप जो करने जा रहे हैं, इस time हम ज्यादा से ज्यादा focus हमारा तो translation का है ना, active passive हमने पहले भी किया है, तो ट्रांसलेशन में बाज कैसे जुमला आएगा उर्दू ट्रांसलेशन में। फॉर एग्जांपल आपको जुमला एक एक्टिव का तो आपको पता है, पैसिव की पहचान का मैंने आपको बता दिया था, अब मैं जुमला बोलता हूँ पहचान आप खुद कर लेंगे, पहचान करके बता देंगे ये एक्टिव है या पैसिव है तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मकान सजाया जा रहा है, ठीक है, मैं कहता हूँ मकान सजाया जा रहा है, और एक और बताता हूँ कि मालिक मकान सजा रहा है, दो जुमले हैं। तो इसमें एक्टिव कौन सा है और पैसिव कौन सा है, कौन सा, कौन बच्चा हैंड रेस करके मुझे बताएगा इसमें कौन सा सेंटेंस एक्टिव है और कौन सा जो है वो पैसिव है। एक है मेरा जुमला, अगेन एक बार दोबारा बोल लें सर, एक बार दोबारा रिपीट कर दें, ठीक है बच्चों, मैं करता हूँ। एक है मकान सजाया जा रहा है और दूसरा जुमला है मालिक मकान सजा रहा है। मालिक मकान सजा रहा है ये एक्टिव है, और मकान सजाया जा रहा है ये पैसिव है।
वेरी गुड, कैसे पहचान हो गई बच्चे? सर हमें मुझे इसमें वो सब्जेक्ट नहीं था, माली वो मकान से जाया जा रहा है, एक्टर मौजूद नहीं था। वेरी गुड वेरी गुड, ये इसी तरह से आप, अब मैंने यही बात आप लोगों को समझाने के लिए ये सारा तमहीद बांधा था 10 मिनट तक का, कि आप पेपर में जब बैठेंगे ठीक है, तो पेपर में डिसाइड करने के लिए यही ट्रिक आप यूज करेंगे कि आपका जुमला तो अब रहा है दोनों में आ सकता है ना, एक्टिव में पैसिव में। अब ज्यादातर बच्चे जो हैं वो टेंस करके आते हैं, गलत उनका कहाँ पे होता है, उनका एक्टिव पैसिव के अंदर गलत होता है। वो एक्टिव का जुमला पैसिव पे पैसिव के तरीके से करते हैं, पैसिव का एक्टिव के तरीके से ट्रांसलेट करके आते हैं, फिर उनकी ट्रांसलेशन गलत होती है। और इधर आकर मुझे अक्सर बच्चे कह रहे होते हैं सर मेरी बहुत जबरदस्त ट्रांसलेशन हो गई, बाद में जब पूछो तो पता चल जाता है वो एक्टिव के बजाय पैसिव में कर आए होते हैं। तो आप लोग भी पेपर में जब आप बैठेंगे तो पेपर में ये देखेंगे, ये आसान सी ट्रिक मैंने आपको बताई है कि जिस ट्रांसलेशन के साथ एक्टर उसका नहीं है, जिस तरह मकान सजाया जा रहा है, कौन किसके जरिए कैसे, ये सवाल खुद पूछो उस जुमले से, आप ये सवाल पूछो जब आप पेपर में बैठेंगे ना, क्यों कैसे किसने कौन, ये सवाल को इनका जवाब दे देता है तो एक्टिव है, जवाब नहीं दे सकता तो पैसिव है। आसान करके बाद मैंने उससे भी आसान करके ये बताई है कि इसमें कोई एक्टर आम जबान में सब्जेक्ट अगर गिवन है तो एक्टिव है, नहीं है तो वो पैसिव है, ये और आसान बात है। और इसके अलावा आप टेस्टिफाई करना चाहते हैं बहुत सारे जुमलों में कि ये एक्टिव है या पैसिव जुमले हैं, तो आप यही ट्रिक यूज करते हैं, क्यों कैसे कौन कहाँ, ये सवाल उनसे पूछेंगे, वाई वेयर व्हेन, ठीक है इंग्लिश में अगर बताऊं तो वाई वेयर व्हेन हाउ, तो इनका जवाब दे सका तो। और अब यहाँ देखो हु का जवाब दे सकता है, मेरा पहला मालिक मकान सजा रहा है, हु आप सवाल पूछते हैं तो मालिक मौजूद है, मकान सजाए जा रहे हैं हु पता नहीं है, हाउ पता नहीं है, वेयर कहाँ पता नहीं है, तो ये क्या है, ये पैसिव बनता है। ठीक है, ये बहुत मैंने आपको एक आसान, जो इधर आप लोग मौजूद हैं आपको बिलीव नहीं, आइंदा आपका कोई ट्रांसलेशन अगर आपको स्ट्रक्चर आता हो तो कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, जब ये आप समझ गए हैं बात, तो होपफुली आप समझ भी गए हैं, मैंने काफ़ी डिटेल में उस पर बात की है, तो कभी आपका ट्रांसलेशन जो है एक्टिव पैसिव और ट्रांसलेशन गलत नहीं होंगे, ये आप एक ट्रिक समझिए। अब आते हैं बच्चे नेक्स्ट जो है मेरा इंट्रोगेटिव, वो भी बता दो। तो इंट्रोगेटिव में दोनों करके दोनों मीन्स मेरे एक्टिव स्ट्रक्चर और पैसिव, ठीक है, तो दोनों में क्या लगेगा, इज एम आर जुमले के शुरू में आएगा, बाकी सेम एज इट इज आएगा जिस तरह नेगेटिव में आया हुआ है। कैसे, फॉर एग्जाम्पल इज एम आर एक्टिव का इस टाइम बता रहा हूँ, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस ठीक है फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब पैसिव पे जाते हैं, ऑब्जेक्ट सॉरी इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस सब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आर यू मेकिंग टी, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं आर यू मेकिंग टी, तो इसको होगा आर टी आर इज टी बीइंग मेड बाय यू। ठीक है, वहां पे पहले आर जो है वो क्यों आया था, पहले आर जम यू के लिए था, आर यू मेकिंग टी, तो अब जो है वो इज टी, क्यों, क्योंकि सिंगुलर है। ये बात भी आपने बाज़ औक़ात यहाँ पे गलत होता है वो आर लगा के, क्योंकि आर देख के हम अक्सर पढ़ाते हो कहते होते हैं ना ये इज एम आर शुरू में आएंगे, तो वो इज एम आर जो आए हैं वो ही लगाते हैं आप, जो सब्जेक्ट पहले उसका सब्जेक्ट यू था तो उसने आर लगाया था, आर यू मेकिंग टी, अब आपका सब्जेक्ट कौन सा बन रहा है, टी बन रहा है, तो इज टी बीइंग मेड बाय यू। क्लियर है ये बात भी, तो इसी तरह से ये अब आप क्या करेंगे, ट्रांसलेशन का जो आपके ग्रामर एंड कंपोजिशन बुक का कल हमने जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है हमने डिस्कस किया था
और बुक का पेज मैंने आपको बता दिया था। आज मैं ट्रांसलेट कहाँ कहाँ है ये पेज नोट कर लेंगे, मैं आपको बता देता हूँ। बुक मेरे सामने है, मैं बुक खोल लेता हूँ एक मिनट के लिए। देन आई विल टेल कि आप ऑलरेडी सॉल्व दे है वो करने होते हैं, तो वो पेज नंबर मैं बताऊंगा, क्योंकि इस बार बोर्ड की तरफ से जो है आपको वो जुमले करवाए जा रहे हैं जो ऑलरेडी सॉल्व दे हैं। तो पेज नंबर बचे हैं 77 एक्टिव वॉइस के लिए, प्रेजेंट इनडेफिनेट सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूस पेज नंबर है 77, ठीक है, और 78 है। इसमें सिर्फ और सिर्फ जो ऑलरेडी बुक वाले ने हल करके दिया है वो छह मिले, 77 78, ठीक है, इसके बाद है 79, ठीक है, 77 78 और 79 में एक्टिव है। अब पैसिव इसके कहाँ पे हैं, पैसिव पे चले जाते हैं, तो पैसिव में दिखा दूं आप लोगों को, तो पैसिव हैं एक मिनट के लिए मैं ढूंढ लेता हूं, देन आपको पेज बता देता हूं। एक्टिव यहां तक तो ये तीन पेजेस एक्टिव के आ गए हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट से पहले यहां पे होगा, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस पैसिव जो है आपके बुक नंबर पेज नंबर 90, ठीक है, ऑलरेडी सॉल्व दे, और 91, बस 90 एंड 91 है। शुरू से अब बताऊंगा सारे 77 78 79, इसके बाद 90 और 91। तो यहाँ देखें, यहाँ कुछ मिसालें मैं बता दूंगा आपको, आपको सुन के अंदाजा हो जाएगा कि इसमें एक्टर अननोन है इसलिए पैसिव है। खतूत, आप इसका पहला जुमला है, खतूत डाक में डाले जा रहे हैं, किससे, कहाँ, कौन, जवाब नहीं आ रहा, तो ये क्या है, ये पैसिव है। पतंगे उड़ाई जा रही हैं, कौन, अगर इसकी जगह होता कि अमजद पतंग उड़ा रहा है तो फिर क्या होना था जी, कोई बच्चा, जैसी से अमजद के अमजद पतंग उड़ा रहा था, हैं उड़ा रहा है सर, ये एक्टिव है ना, वेरी गुड, ठीक है फैसल अब्दुल्ला, वेरी गुड, ये बिल्कुल ऐसा होगा। अब यहाँ जो जुमला पैसिव में उसने पूछा है वो पतंगे उड़ाई जा रही हैं, तो ये क्या है, ये पैसिव है, क्योंकि इसमें कोई अननोन है, वेरी गुड, अहमद मिसिंग है जी, बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल, वेरी गुड। तो ये पेजेस हैं, इनको एक नज़र देख के आप लोग ट्रांसलेट जो हैं वो कर लेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी होगी। कल पेपर में ये चीज़ें हैं, इनके अगर ये जिस बच्चे को तैयार है ना, मैं अभी से कह रहा हूँ वो पूरे पूरे नंबर भी ले सकता है, उसमें कोई मसला उस बच्चे को नहीं आएगा। लेटर के अंदर, समरी के अंदर, क्वेश्चंस के अंदर वो बातें है ही नहीं है, और वो चीज़ें आप कर भी लेंगे वो, क्योंकि इसका मैं वर्किंग इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि वो बहुत सारी चीज़ें आपको याद हैं। अब किसी बच्चे को कोई एक लेटर, लेट सपोज याद नहीं है, किसी बच्चे को एक असमरी याद नहीं है, तो वो आप लोगों को खुद से ही पता है, अगेन पॉलिश उसको कर दें। याद नहीं होने का मतलब है उसको ज़्यादा अच्छी तरह से प्रिपेयर नहीं है, तो दोबारा से पॉलिश करके ठीक कर दें। ये समझने की चीज़ें मैं आखिरी हद तक आप लोगों को जितना समझना चाहो इतना समझा दूंगा, अनफॉर्चुनेटली इधर आपके क्लास के सारे आते नहीं हैं, तो ये लोग फिर अब मेरे उनका कॉन्टेक्ट नहीं है, मैं टेंथ वाले तो मैं बुला लेता था इनको, मैंने अब आप लोगों को पहले सर जुनेद पढ़ाते हैं इसकी वजह से उनसे मेरा कॉन्टेक्ट और इस तरह की चीज़ नहीं है, तो मैं इन्फॉर्म नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ये है कि ये चीज़ें ट्रिकी चीज़ें में ट्रिक्स, आसान आसान बातें एक दो ट्रिक्स बता दूंगा, इनकी बुनियाद पर आप कोई भी जुमला ट्रांसलेट अच्छी तरह से कर सकोगे, ऑब्जेक्टिव अच्छी तरह से दे सकोगे, तो इंशाल्लाह ये आप समझ गए तो समझ ले आपके पूरे नंबर आ सकते हैं, कोई मसला नहीं, ठीक है। तो मैं अब अटेंडेंस लेता हूँ, आप में से किस अटेंडेंस में ले लेता हूँ, तो किसी बच्चे ने कोई बात करनी हो, सवाल पूछना हो, तो वो जो है मुझे सवाल पूछ सकते हो, ठीक है।
जी बच्चे अटेंडेंस हो गई है, आप लोगों को कोई सवाल है तो मैं आप लोगों को अनम्यूट कर देता हूँ, आप लोग सवाल पूछेंगे और जो लोग लीव कर जाना चाहते हैं वो अब लीव कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज जो जाना चाहता है।